वीरू भाई, अजय सर, अब एक बड़ा अच्छा सवाल आया है #AskCricBuzzLive में। स्ट्रैटेजी मैचअप से दूर है यह सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हाउ इम्पोर्टेंट हैज दिस ईयर्स आईपीएल बिन इन अपलिफ्टिंग द मूड ऑफ द नेशन विद रिगार्ड टू द पैंडेमिक एंड कोविड सिचुएशन। वीरू भाई, देखिए बिल्कुल, सब लोग अपने घरों में ज़रूर हैं, बोर हो रहे होंगे, कहाँ जाएं, क्या करें, कहीं बाहर जा नहीं सकते, परेशान हैं कोविड की वजह से। तो ये एंटरटेनमेंट आया है पिछले एक महीने से, जो लोग अपने घरों में बैठकर आनंद ले रहे हैं, इसलिए भी सबसे ज़्यादा टीआरपी इस बार आईपीएल की आई है। वरना तो लोग अपने कामों में बिजी रहते थे, अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी रहते थे, लेकिन इस बार प्रॉब्लम होते हुए भी घर के अंदर बैठकर आनंद ले रहे, चाहे वो अपने मोबाइल फ़ोन पर हो, चाहे वो टीवी सेट के आगे बैठे हों। और इंटरेस्टिंग मैचेस भी हुए हैं इस साल, ऐसा कभी नहीं हुआ आईपीएल की हिस्ट्री में कि एक मैच में दो सुपर ओवर देखने को मिले हों या एक संडे में तीन सुपर ओवर हो गए। पहला मैच भी सुपर ओवर, उसके बाद दूसरा मैच हो उसमें दो सुपर ओवर, तो इसलिए इंटरेस्टिंग भी है ये, इसलिए वर्ल्ड का बेस्ट टूर्नामेंट भी है ये। तो मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन मैंने बैठ कर मैच ना देखा हो पूरा। मेरे ख्याल से उसकी वजह, क्योंकि जब पूरे देश में सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, दूसरी कोई चीज़ नहीं थी, इकोनॉमी डाउन थी, सिर्फ और सिर्फ बीमारियों की बात चल रही थी, तो आईपीएल के शुरू होने से एटलीस्ट वो चर्चा बदल गई है। यार मेरी टीम जीत रही है, तेरी टीम जीत रही है, मज़ा आ गया, शिखर धवन ने 2 शतक बनाए हैं, मुंबई ऊपर थी अब नीचे आ गई है, बैंगलोर अच्छा खेल रही है, तो आजकल ज़्यादातर चर्चा बैंगलोर की हो रही है। सही बात ना अजय सर, क्योंकि 2-2.5 महीने पहले जो बंदे को मेडिसिन की स्पेलिंग नहीं आती थी वो बंदा बोलता अबे मेडिसिन आ रही है ब्रो, अबे आ रही है भाई, आ रही है, लेकिन अब वो सब बदल गया है सर, अब मामला डाइवर्ट हो गया कहीं ना कहीं। पंडित जी आ तो रही है, आप और मैं काम कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन के भाव डबल हो गए हैं, ये बताऊं स्ट्राइक रेट की तरह हो गए हैं। 6 महीने पहले जो दवाई, सर मेरी मम्मी है, मैं दवाई लेता हूँ कभी कभी, सारी दुनिया जो लेती है, जो दवाई 100 रुपए की थी अब 200 रुपए की हो गई है, तो वो भी चर्चा हो रही है, लेकिन आप और हम ब्लेस्ड हैं। आई थिंक जो आईपीएल ने अच्छा किया ना, मैं जैसे देखता हूँ सबसे बढ़िया मोमेंट मैं आईपीएल से निकालूंगा तो तेवतिया का निकाल के अगर भारत यूज कर पाए, अपने भारतीय लोग जो है, कि जिस तरह वो तेवतिया बैटिंग कर रहे थे उस दिन पंजाब के विरुद्ध, जो पहले 25-30 गेंदे या जो भी नंबर मुझे याद नहीं, वो जो माइंडसेट था ना, मैं अपना माइंडसेट भी कह सकता हूँ इसके दौरान जो था, ये कोविड के दौरान ऑलमोस्ट ऐसे आप हारे हुए थे, आपका कोई काम नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो आप उतने निराश हो जाते कई बार कि आपको लगता है कि यार अब क्या करूं। लेकिन वो तेवतिया की पारी जो है ना, वो पारी आपको और मुझे और सबको याद कराती है, इस खेल से यही चीजें सीखते हैं ना, कि वो पारी याद कराती है कि वक्त बदलते देर नहीं लगता। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि दवाइयों की जो कीमत डबल हो गई है ना, वो भी वापस आ जाए अपनी जगह पे, स्ट्राइक रेट की तरह जैसे बल्लेबाजों की नीचे आई है। बाकी इस क्रिकेट ने हमें तो जीवन दिया है, हमें तो सब कुछ, मतलब मैं तो लाइफ को आंकता ही क्रिकेट से हूँ, तो मेरे लिए तो क्रिकेट सबसे बढ़िया बून है, ये आ गया है। लेकिन बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, इसीलिए मैं शुरू में भी बोला ना, भूलिए मत अभी ये खत्म नहीं हुआ है। हाँ। और आज फसल भी कट रही है हमारे खेत में, तो फसल जब कट रही है तो फार्मर लोगों को भी याद कर लो।